जो हाथ से काम करते हैं ना, इसमें जो मसाले वगैरह पड़ते हैं वो अपने हाथ से बना के हम लगाते हैं, उसमें जो इसमें जो वो लगता है वो मजबूत भी हो जाते हैं। सिंध की सकाफत हजारों साल पुरानी है। जहां सिंध की सकाफत में बेशबाह चीजें मौजूद हैं, वहीं सिंध का रिवायती तोहफा अजरक अपनी मिसाल आप है। जहां तक मतलब मैं जानता हूं, अजरक की नॉलेज मेरे पास है, तो ये हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है। अजरक का असल नाम अजरक है। अरबी में अज से मुराद नीला और रक से मुराद सुर्ख रंग है, यानी ऐसी चादर जो नीले और सुर्ख रंग की हो, जिसे सिंध की सकाफत आया होती हो। अजरक हजारों साल कदीम सिंध की तारीख में तोहफे के तौर पर पेश की जाती रही है और यही रिवायत आज भी इसी शान और शौकत के साथ कायम और दायम है। खूबसूरत रंगों से मुजयन अजरक आज भी हाथों से तैयार की जाती है। कदीम सकाफती विरसा अजरक कई मराहिल से गुजर कर तैयार होती है, जिनमें सबसे पहले कपड़े को मैट्यूर यानी मुल्तानी मिट्टी वाले पानी में अच्छी तरह हल करके धोया जाता है, जिसके बाद उसे सुखाया जाता है। फिर लकड़ी के पोर से छपाई का काम किया जाता है, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं। ब्लॉक के 500 से ज्यादा अकसाम हैं। फिर अजरक को सुखाया जाता है और उसके बाद सारी रात भट्टी में पकाया जाता है। अजरक सिंध की सकाफत है। जो असल अजरक होती है वो मतलब उसमें तकरीबन जो है वो 22 प्रोसेस होते हैं, जिनमें कुछ वाशिंग के होते हैं, कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के होते हैं, कुछ जो है वो ड्राइंग के होते हैं, और इनके जो हमारे जो मिक्सचर्स हैं, जो हमारे मसाले हैं जो हम इस चीज़ पर यूज़ करते हैं, वो टोटली तौर पर मतलब वेजिटेबल डाइज, नेचुरल डाइज हैं। मतलब उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल यूजेज नहीं है। यूं खूबसूरत रंगों से सजी सिंधी अजरक तैयार होकर बाजारों में फरोख्त के लिए भेज दी जाती है। पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है। पूरे है सिंध की सखावत, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसको पसंद करते हैं। सिंध में हर नस्ल, जबान, मजहब और मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद अजरक खरीदते हैं। मैं बिरशा का रहायशी हूँ और मैं अजरक सिंध की सकाफत का आर्टिजन हूँ, हुनरमंद हूँ, और ये काम जो है वो हमारा मड़ोसी काम है। मतलब हमारी जितनी जनरेशन मुझे याद हैं या मेरे वालिद साहब को याद हैं, तो हमारा जनरेशन मतलब सब जनरेशन इसी काम से रिलेटेड है। अजरक सिंध की सकाफत है। जो असल अजरक होती है वो मतलब उसमें तकरीबन जो है वो 22 प्रोसेस होते हैं, जिनमें कुछ वाशिंग के होते हैं, कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के होते हैं, कुछ जो है वो ड्राइंग के होते हैं, और इनके जो हमारे जो मिक्सचर्स हैं, जो हमारे मसाले हैं जो हम इस चीज़ पर यूज़ करते हैं, वो टोटली तौर पर मतलब वेजिटेबल्स डाइज, नेचुरल डाइज हैं। मतलब उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल यूजेज नहीं है। और ये जहाँ तक मतलब मैं जानता हूँ, अजरक की नॉलेज मेरे पास है, तो ये हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जिनसे सारी चीज़ें बातें करती थी, तो उनकी ये क्रिएशन है। फिर ये हमारे हिस्से में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है मतलब हुनरमंद है, हमारी ये रोज़ी भी है। और तकरीबन 40-50 सालों से जो है ना, वो अजरक का जो है ना वो एक नकल निकल गया है, जो स्क्रीन प्रिंट होती है, जो बिल्कुल मतलब नाकारा काम होता है, लेकिन वो सस्ती होती है। वो आपको 150 से मिल जाएगी, 150 की, 200 की मिल जाएगी, जबकि हमारी जो अजरक है, जो हमारी असल अजरक है, वो उसकी प्राइस जो शुरू होती है वो मिनिमम प्राइस थी उसकी 2500 है। और जो लेकिन उसमें भी कपड़ा अजरक वो भी नेचुरल डाई होती है, ओरिजिनल होती है, लेकिन कपड़ा उसमें मतलब सादे वाला होता है। जो ऊँचे वाले कपड़े में जो बेस्ट अजरक बनती है उसकी प्राइस 4000 से शुरू होती है। ये जो हमारी ये जो आप देख रहे हैं हमारी मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली अजरक, हम इसको बोलते हैं चक्की वाली अजरक, कुछ लोग इसको फुल्ली वाली अजरक बोलते हैं, ये नारा वाली अजरक बोलते हैं। ये मतलब ये ज़्यादातर अजरक के हिसाब से यही मतलब पहचानी जाती है। अजरक का मखसूस डिज़ाइन यही है। उसके अलावा जो है इसी डिज़ाइन में हम एडिटिंग करते हैं, ये एक बॉर्डर लगा देते हैं हाशे का। उसके अलावा ये फिर ये अजरक है, ये जो मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है, जो उनको चादर पहनी हुई है उनके, उनमें जो डिज़ाइन है किंग प्रेस्टन के नाम से, ये इनकी भी हम अजरक बनाते हैं।
ये इसको हम काशी वाली अजरक बोलते हैं। ये मतलब इसकी जो पहचान है वो आपदा परवीन को आपने देखा होगा किसी भी वक्त, तो उनको ये अजरक ओढ़ी होती है। और हमारे सबसे मतलब बेस्ट हमारा आइटम और सबसे एक्सपेंसिव आइटम ये होता है, और इसकी प्राइस है 7,000 रुपये। उसके अलावा इसी डिज़ाइन में ब्लैक में बनाते हैं, ये भी मतलब वही प्रोसीजर है, इसके भी वही प्राइस है इसकी। उसके अलावा ये हाशे वाली अजरक है हमारी, जो छठवी हाशा के नाम से पहचानी जाती है। इसमें मतलब ये भी हमारी बहुत ट्रेडिशनल है, वो जो मैंने आपको पहले वाली अजरक दिखाई नारे वाली, उसके बाद कोई रनिंग आइटम हमारा है तो दूसरे नंबर पर ये है। और ये वाली जो अजरक है, ये वाली अजरक जो है वो अभी मैंने ज़ाती तौर पर अभी डिज़ाइन की है, जो इमरान खान साहब ने भी पहनी थी एक बार। तो ये भी क्योंकि हमारा ये भी है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, एक तो हमारी मौड़ूसी है, बहुत ज़माने से हम बना रहे हैं, लेकिन हम जिदत भी ला सकते हैं, ला भी रहे हैं। मतलब हम अभी हम शुरू ये नहीं कि हम मखसूस है कि हम अजरक बना सकते हैं बस और कुछ नहीं, लेकिन हम हर चीज़ को बना सकते हैं जो कपड़े से रिलेटेड है। उसमें आपके सूट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, साड़ी वो भी काम करते हैं, साड़ीज़ हो गई, बेडशीट हो गई, स्ट्रोलर्स हुई, मतलब कुछ भी आप कहेंगे ना, कुछ भी आप कहेंगे, कोई भी डिज़ाइन आप देंगे, कोई भी कलर आप कहेंगे तो हम बना कर देंगे आपको। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारे पास स्किल्स हैं आजकल। एक तो हमारे ये ख़ानदानी काम है, मौड़ूसी काम है, वो हमारे ख़ानदानी स्किल्स हैं। एक तो फिर दूसरा ये जो हमारा जदीद दौर है, ज़माने में जो है वो सीखने को मिलता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, तो इस वजह से। बाकी ये भी अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हम इसको बोलते हैं कक्कर, सिंधी में इसको बोलते हैं कक्कर, यानी कि बादल। ये बादल बने हुए आपको देखें ना, ये आसमान है ब्लू वाला, ये देखें ना, ये दो डिज़ाइन, ये अलग डिज़ाइन एक ही है, लेकिन हमने ब्लैक का डिज़ाइन एक ही है, लेकिन उसको मैंने दो कलर्स में बनाया है। मतलब मुख्तलिफ है, इसमें जो ये वाइट है इसमें ब्लैक है, और जो इसमें ब्लैक है वो इसमें वाइट है। तो इस तरह ये बादल इसको मतलब बोलते हैं, ये आसमान के बादलों को जो है ना वो नक्शा बनाने की कोशिश की गई है इसमें। और ये मतलब हमारा अजरक के बारे में था। बाकी हम सिंध की सकाफत को कैरी ऑन कर रहे हैं, और ये हम मतलब सदियों से कर रहे हैं। तो अजरक का तजुर्बा तो हमें ये है कि मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए, सो माशाल्लाह रोज़ी बहुत अच्छी है हमारी, काम भी बहुत अच्छा है, गुजर अपना अच्छा हो जाता है। वो क्या है कि मशीन वाला जो काम होता है वो नकल का काम होता है, वो तो सही नहीं है। ये हाथ का काम है, ये असल का काम है, हाथ का काम है, ये असल है, वो नकल है। मशीन और इसमें बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क ये है कि वो क्या है कि ये जो हाथ से काम करते हैं ना, इसमें जो मसाले वगैरह पड़ते हैं वो अपने हाथ से बना के हम लगाते हैं, उसमें जो इसमें जो वो लगता है वो मज़बूत भी हो जाते हैं, उसके कलर भी बहुत मज़बूत होते हैं, उस वाले जो कलर होते हैं मशीन वाले वो उतर भी जाते हैं धोने के बाद। ये कलर बहुत वक्त चलता है, कपड़ा फट जाएगा, कलर नहीं उतरेगा इसका। ये वो क्या है कि सस्ती है लेकिन सही नहीं है, ये असल चीज़ है। ये उनको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि 5 साल 10 साल निकल जाएंगे उसके, उसमें से उसको एक माह भी नहीं चलेगी वो अजरक उसकी। पहले सफ़ेद कपड़ा होता है उसे हम धोते हैं, फिर भट्टी पे लगाते हैं, फिर धोते हैं, फिर ये जो तेल होता है ना, सांबर होता है, तेल होता है, और ऊँट की घिसी, ऊँट का जो होता है ये, वो डालकर उसको मैं उसमें डालते हैं, 2-3 दिन उसको रख देते हैं, बाद में उसको फरे पे लगाते हैं, मारते हैं उसको, वो जो तंदो होती है ना उसकी खोरान जो होती है वो मारते हैं, वो बिल्कुल सही हो जाती है। बाद में धोते हैं, फिर उसको साकुन में डालते हैं, साकुन सुना है आपने, और साकुन में सुनते उनमें डालते, फिर उसको सुखाते हैं, फिर इस काम में आते हैं। वो जो भी उसका नंबर आता है वो नंबर वाला काम करता है, पहले नंबर वाला वो कर रहा है, तो दूसरे नंबर वाला वो कर रहा है, तीसरे नंबर वाला वो कर रहा है। ये नंबर पे होते हैं, कोई ऐसा आता है 4 मरहले होते हैं, किसी में 5 मरहले होते हैं, किसी में 7 मरहले होते हैं। जी मैं अजरक का तकरीबन मुझे सब काम आते हैं, धुलाई का हो गया और प्रिंटिंग का हो गया, ब्लॉक प्रिंट, और तकरीबन जितने भी जो भी मरहले हैं इसमें अजरक में, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं।
हाथ का काम है तो हमारे लिए ये गेम भी है। इस तरह से कि बस लगे पड़े हैं, जो भी काम हम देंगे सभी कामों में हमें मज़ा आता है। जो जो ओरिजिनल अजरक होती है वो आप देखेंगे दोनों तरफ प्रिंट हुई होगी है, और जो वो क्या कहते हैं कि मशीन प्रिंट होती है वो एक तरफ जो है ना उसकी प्रिंट होती है, और उसका कलर भी उतर जाता है, और इसका कलर नहीं उतरेगा ये गारंटी है।